आखिर कब भूरेंगे तराई के गन्ना किसानों के दिल। यूपी के महाराजगंज जिले के निचलोल तहसील के गडूरा बाजार स्थित JHV शुगर मिल में गन्ना किसानों के लगभग 45 करोड़ रुपए बकाया है। गन्ना किसानों की भुगतान को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार में मुद्दा उठा रहा है, लेकिन होता भी कुछ नहीं। जिले में कई आंदोलन हुए, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। किसानों को गन्ना भुगतान कब होगा, इसका जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। बकाए भुगतान में हो रही लेट लतीफी से जहां एक तरफ किसानों के आवश्यक कार्य प्रभावित हो रहे, तो वहीं ज्यादातर किसानों का गन्ना की खेती से मोहभंग ही हो चला है। महाराजगंज की निचलोल तहसील क्षेत्र के गन्ना किसानों की आय का एकमात्र साधन भी सरकारी उदासीनता के ढेर चल गया है। जिले के जिम्मेदार भी इस समस्या से भली भांति वाकिफ है, बावजूद इसके कोई भी इसकी सुध लेने वाला दिखाई नहीं देता। गडूरा मिल अभी तक नहीं शुरू हुआ, जिसे किसान थ्रेसर पर गन्ना आधे दाम पर बेचने को मजबूर है। पिछले 25 वर्षों से जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे भाजपा सांसद पंकज चौधरी हो या सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी इस समस्या को जानते हैं, लेकिन जिले के गन्ना किसानों का दर्द बांटने वाला कोई नहीं। कृषि प्रधान जिले महाराजगंज में 2 चीनी मिल संचालित है। गन्ना मूल्य बकाए के भुगतान में स्थिरता को लेकर पहले से चर्चित JHB शुगर मिल गडोरा पर किसानों का वित्तीय वर्ष 2014-15 व वित्तीय वर्ष 2017-18 का तथा IPL सिसवा पर किसानों का वित्त वर्ष 2017-18 की धनराशि बकाया थी। बकाए के भुगतान को लेकर लंबे समय से किसान मांग भी करते रहे, मगर जिम्मेदारों के कान पर जूं तक न रेंगी। जिले के जिम्मेदार कभी मिल के घाटे में होने तथा कभी धनराशि उपलब्ध न होने की बात कहकर मामले को टालते रहे। एक किसान ने बताया कि चीनी मिल द्वारा समय से गन्ना मूल्य का भुगतान न किए जाना निराशाजनक है। समय से भुगतान न होने से कृषि संबंधी कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। गन्ना किसानों ने कहा कि चीनी मिल के होने के दृष्टिगत उन्होंने गन्ने की खेती की, मगर भुगतान में हो रही देरी ने उन्हें अन्य फसलों की खेती पर मजबूर कर दिया है। जिम्मेदारों से भी इस बारे में बात की गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुम्हरिया के किसान विजय मल ने कहा कि भुगतान की स्थिति को देखते हुए अच्छा यह है कि हम लोग गन्ने की बजाय किसी अन्य फसल की खेती पर ध्यान दें। हालांकि IPL सिसवा के 24,000 किसानों के लगभग 99 करोड़ का भुगतान तो कर दिया, लेकिन JHB गडूरा चीनी मिल के किसानों के बकाए गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए लगातार शासन से धन की मांग होने के बावजूद कोई सुध लेने वाला नहीं है।